हाय गाइस, वेलकम बैक। और अभी जो है इवनिंग के बज रहे हैं 6 PM और अभी मैं जा रही हूँ किचन में। तो आज बनाऊंगी चिकन। तो मैं फटाफट से, ज़्यादा अभी बात नहीं करूँगी क्योंकि चिकन को मुझे मैरिनेट करना है। तो उसके लिए मुझे एटलीस्ट 2 घंटे उसको छोड़ना है ताकि वो अच्छे से एकदम मैरिनेट हो जाए। और तो ये एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ चिकन, बट उसमें भी थोड़ी कमी है क्योंकि केवर वाटर नहीं है, रोज़ वाटर नहीं है, सेसमे सीड नहीं है, तो ये सब चीज़ें चाहिए था। तो बट कोई बात नहीं, चिकन में हमेशा आपको चेंज कर करके अलग तरीके से बना सकते हो। उसमें कुछ कम ज़्यादा से फ़र्क उतना नहीं पड़ता। चिकन तो चिकन होता है, फिर भी वो टेस्टी लगता है। तो मेरे हस्बैंड चिकन नहीं खाते हैं, तो वो बिल्कुल वेजिटेरियन है, तो उनके लिए कुछ अलग से बनाना पड़ेगा। बट वो कह रहे हैं कि वो जो लंच में बना था उससे वो कर लेंगे, खा लेंगे। तो मे भी मैं उनके लिए रायता बना दूंगी तो वो खा लेंगे। और देखती हूँ चिकन के साथ राइस बनाती हूँ या फिर क्या मैं बनाती हूँ। तो मैं जा रही हूँ फटाफट से किचन में और बनाते हैं अपना चिकन। तो मैंने गार्लिक जिंजर का पेस्ट बिल्कुल तैयार कर लिया है और चलते हैं बनाते हैं। और मैंने चिकन भी वॉश कर लिया है, तो मैं जा रही हूँ डायरेक्ट किचन में और आपको दिखाती हूँ आज मेरा बन रहा है क्या डिनर। एंड या गाइस, मैंने आपको आज बताना भूल गई। तो ये जो है हमने आज, मतलब अभी 5-6 दिन पहले ऑर्डर किया था, तो ये आज जो है आया है। ये जस्ट हमने इसलिए मंगाया है क्योंकि बाहर आप बैठते हो, टीवी देख रहे हो हॉल में, तो सुबह बैठ के इस तरीके से आप ढक सको। तो जैसा हमने सोचा था वैसा तो नहीं आया है ये। हमसे, हमने कहाँ से मंगाया था? तो तो ये हमें नाप तोल से मंगाया था, तो क्वालिटी उसमें जिस तरीके से इतना दिखा रहे थे, इतना अच्छा बोल रहे, बट ये उतना अच्छा तो नहीं रहा। बट इट्स ओके, आपको 1300 में क्या मिलेगा? 1300 में एक्चुअली दो मिला है, एक ये और एक ये, जो कि मैंने सोचा अभी क्यों निकालना है सब कुछ, ठीक है एक रख देते हैं। तो ये मैं भी घर जाएंगे तो मैं अपने मदर इन लॉ को दे दूंगी। तो हम अभी हमने ये ऐसे ही जस्ट ओढ़ने के लिए ले लिया है, तो इसमें तो ठंड जाने वाला नहीं है। जैसा इसमें दिख रहा था टीवी वैसा नहीं है। तो चलते हैं किचन में, मैं मिलती हूँ आपसे किचन। ओके गाइस, सो मैंने एक बाउल ले लिया है और अब मैं चिकन को मैरिनेट कर लूँगी। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, पहले मैं चिकन ले लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने अदरक, लहसुन और एक हरी मिर्च और मैंने 4 बादाम डाले थे, तो उसका भी पेस्ट है। एक्चुअली काजू चाहिए था तो काजू भी था नहीं, तो मैंने सोचा बादाम ही का ही बना लेती हूँ, तो इसलिए मैंने ये लिया है। और इसके लिए आपको भुना हुआ बेसन चाहिए। तो एक्चुअली मैं ये रेसिपी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, तो देखते हैं कैसा बनता है। और चिकन जो है सिर्फ मैं खाती हूँ और नेक्स्ट डे के लिए नहीं रखती हूँ मैं। चिकन जो होता है ताज़ा ही खाना चाहिए, तो इसलिए 250 ग्राम ही है। तो आप जितना खाते हो उस हिसाब से आप ले सकते हो। तो मेरे घर में और कोई नहीं है, सिर्फ मैं ही खाती, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं ले रही हूँ। और इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो मैं डाल देती हूँ सारा। तो इसमें मैंने 1.5 अदरक लहसुन का पेस्ट लिया था, तो सारा डाल। सो गाइज, इसमें अब डालेंगे बेसन, डाल लेती हूँ। और इसमें कर्ड भी डलेगा तो नहीं है, सही है। सो गाइज, मैंने इसमें, सॉरी रिकॉर्डिंग होना बंद हो चुका था, तो मैंने इसमें जो है दही डाल दिया है। लाइक आपको 2.5 से 3 चम्मच डालना है दही, और सारे मसाले आपको डालना है, लाइक धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर और हल्दी। तो अब मैं इसको मिक्स कर देती हूँ अच्छे से। इन सब में आपको कोटिंग कर देना है और इसको छोड़ देना है ताकि ये सारा ग्रेवी जो है अंदर तक चला जाए। 2 घंटे तक के लिए छोड़ना है और फिर हम कुकिंग करेंगे अपना स्टार्ट। तो पहले इसको मैं मैरिनेट कर दूँ अच्छे से। थोड़ा सा और दही डाल देती हूँ, मुझे कम लग रहा है थोड़ा, क्योंकि इसको मैंने नाप के नहीं किया है, तो इसलिए। तो ये बिल्कुल अच्छी तरीके से कोट, तो इसको 2 घंटे के लिए मैं बिल्कुल छोड़ दूंगी। इसको फ्रिज में रख देना है और उसके बाद हम देखेंगे। ओके गाइस, तो चिकन जो है वो मैंने फ्रिज में रख दिया है, तो मैं 2 घंटे तक वेट करूंगी और उसके बाद आपसे मिलती हूँ मैं। हाय गाइस, सो दिस इज माय टेस्टी हेल्दी ड्रिंक।
और ये है, एंड दिस इज माई हेल्दी लस्सी, और इस पर मैंने रुआवजा डाला है, थोड़ा बहुत क्रीम से टॉपिंग किया है, फ्रेश क्रीम, एंड ओ माई गॉड बहुत ही ज़्यादा यमी है, तो मैं अभी इसको पीऊँगी। सो या ओके गाइस, सो मेरा चिकन जो है मैरिनेट हो चुका है, 2 घंटे बाद ये कुछ इस तरीके का लग रहा है, तो एक बार इस तरीके से मिक्स कर देती हूँ, और उसके बाद मैं इनको पहले थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ, एंड देन जो इसका ग्रेवी है उसी में मैं बनाऊँगी इसका ग्रेवी। तो जो एक्सेस बैटर है तो उसको मैं निकाल दूँगी और इसको फ्राई करूँगी। तेल जो है गर्म हो चुका है बिल्कुल, और इसे मैं सारे पीसेस जो है इसमें डाल दूंगी ताकि थोड़े से फ्राई हो जाए। और गाइस इसकी और भी अच्छी स्मेल आती है अगर आप इसमें डालते हो केवड़ा वाटर और रोज़ वाटर, तो वो क्योंकि अभी मैंने अभी तक अभी यूज़ नहीं किया तो अभी मेरे पास है नहीं, बट मैं नेक्स्ट टाइम उसी तरीके से बनाऊंगी, तो इस बार ऐसे ही कर लेती हूँ। और इधर जो है मेरा तेल गरम हो चुका है, इसमें मैं बना रही हूँ फ्राइड राइस, तो तेल डाल दिया है, जीरा और तेज़पत्ता डाल दिया है, तो मैं जो है यहाँ पर वेजिटेबल्स कटती हैं, तो जो ये वेजिटेबल्स है वो फ्राइड राइस में जाएंगे, तो जितने थे मेरे पास घर में अवेलेबल तो उससे ही मैं कर रही हूँ, और इसको मैं पलटा देती हूँ। और इसमें जो है मैं सारे वेजिटेबल्स डाल देती हूँ। फ्राई नहीं करना है, उसके बाद मैं इसमें अपने कैरेट डाल देती हूँ और मटर भी साथ ही साथ डाल दूंगी, इसको ज्यादा नहीं फ्राई करना होता है फ्राइड राइस के लिए, और थोड़ा बहुत साइड करके मैं फ्राई करके ब्लैक पेपर जो है डाल दूंगी। मैं ज्यादा इसमें स्पाइस नहीं डाल रही हूँ क्योंकि नीरव को भी देना है, तो वो भी खा सकता है, उसको पसंद है फ्राइड राइस, तो इसलिए मैं कोई इसमें स्पाइसेस नहीं ऐड कर रही हूँ। और राइस जो है वो मैंने भिगो कर रख दिया था पहले से ही, तो मैं ये राइस डालूंगी थोड़ा सा, बस इसको मैं फ्राई कर लूँ। और इधर चिकन भी मेरा फ्राई हो चुका है। हाँ जी बेटा, खाना है आपको? खाना है तो सेम हमें ऑयल में ये सारा ग्रेवी डाल देना है, तो इसमें मैं डाल रही हूँ तेज पत्ता, थोड़ी सी लाल मिर्च। हाँ बेटा, क्या चाहिए आपको? ओह, इसमें हल्का सा जो है घी भी डालेंगे, ये ऑप्शनल है, आप नहीं भी डाल सकते, तो घी डालने के बाद और भी ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है, ठीक है? तो हाँ जी बेटा, ग्रेवी को हमें अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ, तो मैं इसमें एक्स्ट्रा मसाला कुछ भी नहीं डालूंगी क्योंकि उसी वक्त जब मैं मैरिनेट कर रही थी तो मैंने सारा इसमें मसाले डाल दिए थे, तो इसको मैं थोड़ा सा भूनूंगी और उसके बाद जो हमारा चिकन है इसी में उसको डाल देना है। तो साथ ही साथ देखना हमें, और अब टाइम आ गया इसमें मेरा राइस डालने का, तो मैं फटाफट से कर रही हूँ, सब कुछ नहीं एक्सप्लेन कर पा रही हूँ क्योंकि नीरव जो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। ओके गाइस, सो मैंने इसमें पानी डाल दिया और ऊपर से देख सकते हो अब थोड़ा सा मैंने घी भी डाला है, और अब मैं कुकर लगा देती हूँ, और नमक भी इसमें डाल लेना है आपको अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, और अब मैं ढक्कन लगा देती हूँ। और जो ग्रेवी है वो भी इस तरह बिल्कुल पक चुका है, एंड हमें इसको बिल्कुल धीमे या मीडियम आंच पे ही पकाना है, और ग्रेवी में अब मैं पानी डाल देती हूँ, और उसके बाद
बहुत ज़्यादा पतला नहीं चाहिए मुझे ग्रेवी, थोड़ा थिक चाहिए, तो उसी के हिसाब से मतलब जैसा आपको चाहिए वैसा आप पानी डाल सकते हो। और इसमें ऊपर से जो डलेगा सोक किया हुआ काजू और सेसमे सीड को, दोनों को एक साथ हमें सोक करना है, और ऊपर से वो डाल सकते हो तो इसमें रिचनेस आ जाएगा, तो मैं वो नहीं डाल रही हूँ, और इतना थिकनेस सही है। और अब मैं डाल देती हूँ हमारा जो पीसेस है चिकन उसको, और बस हमें सॉल्ट हमने क्योंकि स्टार्टिंग में नहीं डाला था तो अभी जो है मैं सॉल्ट डाल दूंगी, और उसके बाद ये हो जाएगा। तो इसको एक बार मिला देती हूँ और फिर मैं थोड़ा सा ढक देती हूँ इसको। इतना सही है, और अब मैं इसको ढक देती हूँ। ओके गाइस, तो फ्राइड राइस बन रहा है, बस थोड़ा सा और टाइम है, और चिकन भी मेरा बस। ओके सो मैं अब आ गई हूँ, बैठ रही हूँ और टीवी देख रही हूँ मैं भी थोड़ा बस खाना बन रहा है। मेरे हस्बैंड का क्या है, जो लंच में बनाई थी वो साग, आलू साग है और तिल की चटनी है, वो यही खाएंगे, और मैं भी रायता बनाऊंगी, या फिर अगर दही होगा, दही भी उनको ज़्यादा अच्छा लगता है रायता से, आई डोंट नो कैसे। तो मेरा तो यम्मी सा चिकन है और फ्राइड राइस है, और क्या होगा हुआ, तो बस उसके बाद हम बस ऐसे ही बैठ के थोड़ा टीवी देखेंगे। और हाँ, मैंने पिया था, क्या पिया था मैंने, लस्सी, हाँ चिया सीड, लस्सी पिया था, और वो मैंने बनाया था। सॉरी, मैं सोची थी कि वो शेयर करूँ मैंने कैसे बनाया था, बहुत ज़्यादा यमी था, तो क्योंकि बहुत सारा बनाया हुआ था घर का दही मैंने बनाया था तो बहुत सारा था, तो मैंने सोचा आज फिनिश कर देती हूँ, तो मैं उसका भी थोड़ा बहुत जो वीडियो बनाई थी वो डाल दूंगी कैसा दिख रहा है। सो या, और ऐसे क्यों घूर रहे हो ऐसे ही ना मुझे तुम भूल बोले क्या ना बोले क्या ना तो अभी बेटा जो है शोना, उसको मुंह में नहीं लेते, फेंको उसको, बैड बॉय, चलो इधर आओ, हाय बोलो, जल्दी आओ, काम बेबी, काम काम, लेके आओ, इसे लेके आओ, काम बेबी, देखो ये क्या, वाह, व्हाट इज दिस शोना, शोन ऐसे करके दिखा दो, शोना ने क्या खाया बता दो एक बार प्लीज, क्या दिया मम्मा ने, बोलो, एप्पल और स्प्योरी, एक किसी कर लो, एक किसी कर लो, मेरे बच्चों, मेरे चोना, मेरे बच्चों, मेरा सोना बच्चा, मेरा जॉन, मेरा जॉन है तू, हाँ, बोले पापा, आज कैसे बोल रहा था, नहीं अच्छे से बेटा, ऐसे पापा बोल, नहीं पापा, नो से पापा, बहुत गंदा लड़का है ये तो, जब बोलने के लिए बोलो तो क्या लगा, जब बोलने के लिए बोलो तो बोलता नहीं है, और आज इवनिंग में इतना बोल रहा है प्यार से, बिल्कुल पापा पापा, मैंने कहा वाह बहुत अच्छा बोल रहा है, कभी कभी मुझे बोलता है मम्मा, कभी माँ माँ, तो बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे बोलता है, तो बस यही है। मैं भी कल का प्लान बनाते हैं ना घूमने का, कल का हम लोग सोचा गार्डन था जो लेक के पास है, तो हम रॉक गार्डन सोच रहे हैं जाने का, बट जा नहीं रहे हैं, मैं तो सोच रही हूँ, तो कल चल लेते ना यार, है बाबू, कल चल लो ना,